हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा, फैमिली में सब ठीक होगा, सब कुशल मंगल होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रहेजा स्काई विलास या फिर लीला स्काई विलास। आपने नाम तो जरूर सुना होगा, पर आपको पता होगा ये कहाँ पर है। तो आइए आज हम देखते हैं इसके बारे में। ये है द लीला स्काई विलास और बिल्डिंग का नाम है नवीन मीनार, जो कि नई दिल्ली में है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली की रेजिडेंशियल के अंदर टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, दिल्ली के अंदर, वो भी सेंट्रल दिल्ली के अंदर टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है रेजिडेंशियल के अंदर। और इसकी हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार जो है ये उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा ऊंची है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दिल्ली इज नंबर वन एड्रेस, ये कहते हैं कि ये दिल्ली का नंबर वन एड्रेस है। द लीला स्काई विलास, नवीन मीनार, न्यू दिल्ली। ये बिल्डिंग इस टाइप से है। टोटल इसकी हाइट है 190 मीटर और इसके अंदर मात्र 121 अपार्टमेंट ही हैं। जी हाँ दोस्तों, ओनली 121 अपार्टमेंट्स। और फ्रेंड्स, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, आप जब वीडियो देखेंगे ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इसमें इतना लोडेड है ये फीचर्स के साथ कि आप भी कहोगे यार भाई साहब, इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकता। आप समझ लें कि ये अपार्टमेंट्स के अंदर रोल्स रॉयस है या फिर बेंटली है। अगर आपको रोल्स रॉयस या फिर बेंटली के अगर आप शौकीन हैं, आप मानते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट कार्स है, अगर द बेस्ट भी नहीं है तो ये वही है। घरों के अंदर रोल्स रॉयस या फिर बेंटली। आइए हम देखते हैं इसके बारे में आगे। द कैपिटल्स टॉलेस्ट आइकन, नेम्ड आफ्टर एन इंडियन हु स्टैंड्स एज टॉल। यानी कि ये जो है ये एक इंडियन के बारे में नाम दिया हुआ है, नवीन। नवीन जो है ये हमारे हैं नवीन रहेजा जी, जिन्होंने हमेशा ही इंडिया को सबसे पहले लिया है नंबर वन। पहले इन्होंने इंडिया को लिया है, बाद में पब्लिक को लिया है और सबसे लास्ट में अपने आप को लिया है। अगर आप इनका लोगो देखें तो आप समझ जाएंगे इनके लोगो के अंदर भी तिरंगा है। आइए हम देखते हैं आगे। ये हमारे नवीन रहेजा जी, ये इनके बारे में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आपके आसपास की विसिनिटी क्या है। आप राष्ट्रपति भवन से मात्र 5.2 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से मात्र 6.5 किलोमीटर, कनॉट प्लेस 6.2 किलोमीटर, करोल बाग 2.9 किलोमीटर। ये देखें दोस्तों, यहां पर इन्होंने ये जो कंपैरिजन दिया हुआ है, ये जो कुतुब मीनार है इससे 2.5 गुना ऊंची बिल्डिंग है। टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंची ये बिल्डिंग है। द हाईएस्ट एड्रेस इन न्यू दिल्ली एट 190 मीटर, यानी कि ये 190 मीटर की है ये इसकी हाइट। और ये दिल्ली जो कि बसाया था पांडवाज ने 5000 साल पहले, इसके लिए एक नया आइकन, एक ऐसी जगह जहां पर लोग आकर विजिट करना चाहे, ये वो चीज बना रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसकी मेंटेनेंस, इसकी मैनेजमेंट, इसका सारा करेंगे लीला ग्रुप। जी हाँ, ये वही लीला ग्रुप है जो कि होटल्स के अंदर है। ये है फर्स्ट मिक्स यूज डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली, यानी कि ये मिक्स यूज डेवलपमेंट है, बेस्ट डेवलपर रहेजा
सर आपको मैंने कहा था ना इसके तिरंगा है, ये देखिए ये वाइट ग्रीन और हमारा सैफरन कलर। ये बिल्डिंग जो बना रहे हैं ये बना रहे हैं आर्किटेक्ट जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है जो कि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और इसका जो आर्किटेक्चर जो करा है ये करा है कैरिसन ने जो कि सिएटल बेस्ड कंपनी है। सिएटल आपको पता है ये वॉशिंगटन स्टेट में यूएस के अंदर है, और ये उनके कुछ एक अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं। अब यहां पे इन्होंने एक कंप्लीट दिया है कि ये घर आपका जो है, आप ये जो घर लेने जा रहे हैं ये किस किस जगह से कितना दूर है। राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर, इंडिया गेट 8.3 किलोमीटर, साउथ ब्लॉक 6.3 किलोमीटर, कनॉट प्लेस 6.2 किलोमीटर, आरएमएल हॉस्पिटल 5.1 किलोमीटर। और दोस्तों ये लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं पूसा बताता हूँ, पूसा से जस्ट 0.2 किलोमीटर, यानी कि जिसको कि हम कहते हैं दिल्ली के लंग्स पूसा, ये वहाँ से सिर्फ 0.2 किलोमीटर दूर है, यानी कि आपके पास हमेशा फ्रेश एयर रहेगी। ये इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा पटेल नगर, हम यहाँ से आते हैं, और ये कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से पहले शादीपुर डिपो के टेक्निकली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं, ये उसके टूवर्ड्स राइट हैंड साइड पर है जहाँ फ्लाई ओवर है वहाँ पर है। तो वहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है, और इसके साथ में एक मॉल भी बन रहा है जिसका नाम है दिल्ली मॉल, लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करें। ये इसके व्यूज के बारे में है, यहाँ से आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस, दिल्ली रिज, ताज, मौर्य, राष्ट्रपति भवन, आप इसमें से देख सकते हैं इस बिल्डिंग से खड़े होकर। ये देखिए ये एक इन्होंने एक आर्टिस्टिक व्यू दिया हुआ है, जब ये बिल्डिंग बन जाएगी और ये ऊपर, ये क्योंकि एक ये रेस्टोरेंट है, आप यहाँ खड़े होके राष्ट्रपति भवन, दिल्ली रिज, कनॉट प्लेस, पूसा, ITC मौर्य, ताज पैलेस, आप ये सब जगह यहाँ से खड़े होके देख सकते हैं। लगता नहीं आपको कितना बढ़िया रहेगा, कितना वंडरफुल चीज रहेगी जब आप अपने घर की छत से सब कुछ देख रहे हैं, और अगर आप ऊपर रह रहे हैं तो आप अपनी बालकनी से देख रहे हैं। आपका कोई फ्रेंड कहता है कि मेरे कनॉट प्लेस जाना है, कैसे जाऊं, तो आप बोलोगे दोस्त इधर आ, पहले तू देख कनॉट प्लेस है कहां पर, वो देख, वो सामने रहा कनॉट प्लेस, अब वहां पर चले जा, ये रोड से सीधा जा, लेफ्ट राइट कर, और यहां तू पहुंच जाएगा। ये देखिए ये है हमारा आइकॉनिक टावर, और ये इसके साथ में ये है मॉल। इसके अंदर 17th और जो 36th फ्लोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूं। बाकी आप यहां देखें, यहां पे स्विमिंग पूल और ये सारी फैसिलिटीज यहां पर है, ठीक है। लाइब्रेरी, कैफे, बार एंड लॉन्च यहां पर आ गए इनका। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी, यहां से आप एंटर करेंगे तो ये डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है, ठीक है जी। और बैंक्वेट कम मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पर आ गया आपका, ट्रिपल बेसमेंट यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर इतना कुछ है एक्सप्लोर करने वाला कि आप एक्सप्लोर करते हुए थक जाएंगे और इसकी फीचर्स खत्म नहीं होंगे। मैंने कहा है ना ये आपकी रोल्स रॉयस या फिर बेंटली है कार्स के अंदर, और आप इसे फरारी भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी बिक रही है। जैसे फरारी खूब फास्ट चलती है ना, तो ये बड़ी जल्दी बिक रही है। अगर आप में से इंटरेस्टेड है, आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट मुझे कॉल करें, मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है। मेरा नाम है मनीष पंचंदा, और मैं नंबर एक बार अपना रिपीट कर देता हूँ, 9991911911। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये देखें, अगर आप ऊपर खड़े हैं तो आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। ये इसकी एंट्रेंस लॉबी जो खड़ा डबल हाइट लॉबी, आपकी गाड़ी यहाँ पे आई, आप यहाँ रुके, यहाँ पर वैले पार्किंग है, आप यहाँ सीधा अंदर चले गए। ये इसकी लेफ्ट लॉबी दोस्तों, क्योंकि इसको मेंटेन लीला कर रहा है तो
तो ये प्रॉपर 5-स्टार होटल के स्टैंडर्ड का है। आप ये समझ लें कि आप घर खरीद रहे हैं 5-स्टार होटल के अंदर। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी का ये था, और ये आपकी आपकी है लेफ्ट लॉबी। ये आपके लिए है फॉर्मल कैफे बार लॉन्च। आपके कोई गेस्ट आते हैं, आप कुछ ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, तो आप उनके साथ यहां पर आकर एक एक ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आपको कोई इवेंट वगैरह आपने कोई होस्ट करना है, तो ये आप इस मल्टीपर्पज हॉल के अंदर आप ये कर सकते हैं। ये आपका है इनफॉर्मल लॉन्च, यहां पे आप अपना गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। यहां पे वीडियो गेम्स है, यहां पे गेम रूम है जहां पर टेबल टेनिस, फुटबॉल, चेस, कैरम, काफी सारी यहां पे गेम्स है। अब हम बात करते हैं पूल साइड के बारे में। इंफिनिटी पूल विद ग्लास एज, ये देखते हैं इसको। ये हमारा है इंफिनिटी पूल विद ग्लास एज। आप देखें, आप यहां पर, यहां से आप एंटर करते हैं, यहां पे आप लोग बैठ सकते हैं, साइड पे जगह बनी हुई है, स्विमिंग करिए स्विमिंग करें। यहां पे अंदर ये जो बना हुआ है सिटिंग एरिया, आप लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहां पे पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं। ये देखिए आप, यहां पे ये स्पा दिया हुआ है पूल साइड के ऊपर, जहां पे आप रिलैक्स कर सकते हैं और आप अपने आप को रेजुविनेट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जिमनेजियम के अंदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट जिमनेजियम है, इक्वलेंट टू, रादर एग्जैक्टली इक्वल टू लीलास लेवल। ये आ गया बच्चों के लिए क्रच। अब यहां पे आपकी कुछ गेम्स के बारे में आ गया, आप ये देखें, तो ये देखें यहां पे क्या क्या है, हाफ बास्केटबॉल, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन, क्रिकेट लेन और स्केटिंग लेन। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप देखें, यहां पे आपके लिए पियानो रूम, गिटार रूम, ड्रम रूम और डांस और एरोबिक हॉल। अब दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट विद अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर। दोस्तों, भगवान ना करे कि अगर लड़ाई शुरू हो जाती है, मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी हो, लेकिन अगर हो जाती है और गलती से अगर उसमें भी अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, तो दोस्तों ये जो बंकर है जो कि 4 लेवल डीप पर है, ये आपको बचा सकता है। यानी ये जो बंकर बनाया गया है, ये इस तरीके से बनाया है, जितनी वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पर बंकर में आ सकते हैं, और उनके लिए 30 दिन का खाना पीना इसमें हमेशा तैयार रहेगा। यानी कि लोग यहाँ पर 30 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं बंकर के अंदर। अब दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा था 17th और 36th फ्लोर। ये देखिए, यहां पर इन्होंने बनाया है गार्डन, जेन गार्डन। यहां पर आप आए, बैठे, रिलैक्स करें। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्डिंग से नीचे आना है गार्डन को एंजॉय करने के लिए। यहां पर 17th और 36th फ्लोर के ऊपर आप देखिए प्रॉपर ट्रीज लगे हुए हैं, बुद्धा की यहां पर अपना स्टैचू दी हुई है, प्रॉपर ये या प्लांट्स हैं। आप यहां वॉक कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप जो चाहे आप यहां पे कर सकते हैं, आप यहां पर बेसिकली रिलैक्स कर सकते हैं। यहां पर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, आउटडोर जिम, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, जेन गार्डन। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। यहां पर
बिल्डर आपको तीन टाइप के इंटीरियर्स ऑफर कर रहा है, यानी रहेजा ग्रुप आपको तीन टाइप के इंटीरियर्स ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहला बेयरशेल, यानी कि वो आपको चार दीवारी बना के दे देंगे, और मैं जो आपसे प्राइसेस डिस्कस करूंगा ये सारे प्राइसेस बेयरशेल के हैं। या फिर एक मैंने वर्ड यूज करूँ वॉर्म शेल, यानी ये आपको अपने हिसाब से सारा कुछ ठीक ठाक करके दे देंगे। और तीसरा है आप नीला को बोल सकते हैं आपके लिए पूरा का पूरा घर डिजाइन करने के लिए, कितना बेडरूम आप कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, ड्राइंग डाइनिंग कितना बड़ा चाहिए, ये सारा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हाँ इसका प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप ये देखें दोस्तों, इस घर की एक खासियत है, इसकी जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है ये है लगभग 4 मीटर, यानी रफली अबाउट 13 फुट। दोस्तों एक एवरेज घर के अंदर 9, 9.5, 10 फुट की एवरेज हाइट होती है, तो जितनी हाइट ज्यादा होती है उतना इसको लग्जरी बोला जाता है। तो इसकी हाइट 13 फुट है, जो कि एक नॉर्मल घर से बहुत ज्यादा ऊपर है। आपने देखा होगा कमर्शियल्स के अंदर 14 फुट की हाइट की जो शॉप होती है उसको बोलते हैं डबल हाइट शॉप। तो यहां पर 13 फुट का आपको घर के अंदर मिल रहा है, यानी आप इमेजिन करें ना, जब आप घर के अंदर आप आ रहे हैं इतना खुला डुल्ला, इतना ओपन स्पेस है, आपको लग रहा है कि यस दिस इज योर हाउस, ये घर आपके लिए है, आप यहां पे रहना चाहते हो। अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं आप यहां पर, फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं यहां पर, वो भी कहते हैं वाओ आपने क्या घर लिया है। दोस्तों कहना चाहिए नहीं, लेकिन हकीकत यह है ये आपकी ईगो को भी बूस्ट करता है, आपको लगता है आप बेस्ट जगह पर रह रहे हैं, और वो फील आपको हर रोज मिलती है, हर रोज आप उस फील को आप फील करते हो, यस आप बेस्ट जगह पर रह रहे हो इसलिए आप बेस्ट हो, यस यू आर द बेस्ट। ये देखिए, ये इसके अंदर एक पूल दिया हुआ है जो कि 4 BHK और 5 BHK के अंदर दिया है, यानी कि जो लोग घर के अंदर हैं ये उनके लिए एक अपना पर्सनल पूल है, यहाँ पे आकर ये लोग स्विमिंग कर सकते हैं, और अपना बैठ के फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ अगर एक आधा ड्रिंक लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। और इसकी एक खासियत और है, फैमिली के लिए तो आपका ये जो वॉशरूम है, जो बाथरूम है, वहीं से आपकी एंट्री मिल जाती है, लेकिन गेस्ट के लिए आने के लिए यहाँ पे एक और एंट्री है जो कि ड्राइंग रूम से भी आती है, तो वो यहाँ बाहर से आ सकते हैं, और आप अगर घर के अंदर ही हैं अपने वॉशरूम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए लिखा है ये 4 और 5 BHK अपार्टमेंट्स में ही ये पूल अवेलेबल है। अब इन्होंने वॉशरूम के अंदर एक बड़ा अच्छा चीज दिया है, हिज और हर का अलग अलग, अगर आप चाहें तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एश्योर कर सकता हूं गुड़गांव में भी किसी भी बड़े से बड़े लग्जरी से लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, दिस इज कॉल्ड लग्जरी, इसको लग्जरी बोलते हैं। स्पेशियस आपके बेडरूम है, किचन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है किचन, आई एम श्योर यू लव टू बी हियर, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स यू लव टू बी हियर। और हाँ दोस्तों, एक मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, अगर आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं तो हम लोग खुद आपको साइट विजिट कराएंगे, और ये 12 अगस्त 2021 तक वैलिड है। आप मुझे कभी भी कॉल करें, मैं अपनी गाड़ी या कैब आपको भेजूंगा पिकअप और डिलीवरी के लिए। ये देखिए, ये आपका है ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, है ना लवली, खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। सर इसको कहते हैं जिंदगी, इसी का नाम है जिंदगी। सर प्रैक्टिकली आप अपने बंगलों में ही रह रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट के सुख को लेते हुए
आपका ये बंगला ही है, बस एक के ऊपर एक करके है। तो यानी कि जो कम्युनिटी लिविंग की जो फायदे हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, और अपने बंगले में रहने की आपको जो आदत है वो भी आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये देखें, ये इन्होंने छत पे बनाया हेलीपैड। इसका पर्पस ये है कि गॉड फॉरबिड्स कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आप बुलाकर यहीं से आप उसको लेके जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रहीजा ने कितना डीप में जाकर बातें सोची है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को इन्होंने कंसीडर करा है ताकि आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन सके, बहुत ही बेहतरीन बन सके आपकी जिंदगी। इसके लिए रहीजा ने साल भर लगाया है इसको डिजाइन करने के लिए, साल भर इनके और इनके आर्किटेक्चुरल टीम ने पूरा दिमाग लगाया है ताकि हर छोटे से छोटा फीचर आपको मिले। ये देखिए, ये टॉप पर ये अपना रेस्टोरेंट है जो कि अगेन ये लीला मेंटेन कर रहा है, द लीला स्काई विलास, नवीन मीनार बाय रहीजा डेवलपर्स। इसके अंदर 5 BHK और 8 BHK के पेंट हाउसेस भी हैं, बाकी उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये इसकी लोकेशन, इन्होंने ये लोकेशन मैप है। ये हम आ जाते हैं, ये आ गया हमारा शादीपुर डिपो। शादीपुर डिपो के साथ में ये रेड लाइट है, और यहां पर ये है हमारा नवीन मीनार। अगर आप ऊपर से देखते हैं पूरी बिल्डिंग को, बिल्डिंग से अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, आप और आप एक ही गाना गाएंगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे संभाला है पीछे। तो दोस्तों, ये गाना तो हमेशा आपके मुंह पे लगे रहेगा जब जब आप इसको देखेंगे बाहर का अपना व्यू। अब देखते हैं हम इसके लेआउट प्लान के बारे में। ये हमारा 3 BHK है जो कि 18 से लेकर 23rd फ्लोर तक है। 2306.83 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। इसके अंदर ड्राइंग डाइनिंग है 20.9 by 22.6 स्क्वायर फीट का, मास्टर बेडरूम 12 by 22.6 स्क्वायर फीट का, बेडरूम 1 10.9 by 17.6, बेडरूम 2 11.3 by 12.3, किचन 7.9 by 12.3, टॉयलेट 5.6 by 9, दूसरा टॉयलेट 5 by 8.3 और तीसरा टॉयलेट 5.3 by 8.3। ये देखें दोस्तों, ये हमारे घर की एंट्रेंस है, हम यहाँ से अंदर आए। ये एक बेडरूम आ गया, साथ में अटैच वॉशरूम। ये हम बात करें 3 BHK जिसके साथ स्विमिंग पूल नहीं है। यह आपका आ गया ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया, यहाँ से हम दूसरे बेडरूम में चले गए, और ये हमारा आ गया तीसरा बेडरूम, और यहाँ पर आपकी आ गई किचन, ये आपका किचन एरिया। और देखिए, ये जो एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट्स हैं, तो जो दो जो बीच वाले हैं ये आपके हैं 3 BHK। अब हम बात करते हैं 4 BHK के बारे में जो कि दोनों साइड वाले हैं। इसका एरिया है 3901 स्क्वायर फीट, और ये सेकंड से लेकर 16th फ्लोर, 18 से लेकर 23rd फ्लोर, 24 से लेकर 33rd फ्लोर में ये है। और हाँ दोस्तों, सेकंड फ्लोर के नीचे जो है ये आपकी एंट्रेंस लॉबी और बाकी सारे फीचर्स हैं, यानी अपार्टमेंट आपका सेकंड फ्लोर से ही स्टार्ट होता है। आप देखें, यहाँ से आपने घर के अंदर एंट्री करी, ये आपका ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, ओपन किचन है। ये आपका आगे एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम और ये चौथा बेडरूम। साथ में इस बेडरूम के साथ ये वॉशरूम, इस बेडरूम के साथ ये रहा वॉशरूम, इसका वॉशरूम यहाँ सामने है, और इस बेडरूम के साथ ये वॉशरूम है, और ये आपका वेरी ओन पर्सनल स्विमिंग पूल। आपके घर के अंदर एक अपना स्विमिंग पूल जहाँ पे आप जब आप चाहे जाकर स्विम कर सकते हैं। लिविंग का इसका एरिया है 18.3 by 24.3, डाइनिंग 14.9 by 19, मास्टर बेडरूम 10.9 by 23,
बेडरूम 1 11.6 by 17.9, नेक्स्ट बेडरूम 10.9 by 19, अदर बेडरूम 10.9 by 19, किचन 10.3 by 12.3, वॉशरूम 1 4.9 by 8, वॉशरूम 2 7.6 by 11.10, यानी रफली 12 फुट, टॉयलेट 3 7.6 by 15.10, दोस्तों 15.10 का वॉशरूम है, लोगों के कि घर में इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम नहीं होते, बेडरूम नहीं होते, इतना बड़ा आपका वॉशरूम है। टॉयलेट 4 5 by 8.3, एक डेक है और एक लिलीपूल है, यह आपका डेक और यह आपका लिलीपूल। अब हम बात करें 5 BHK के बारे में, ये जो दो अपार्टमेंट्स हैं इनको मिलाकर इन्होंने बनाया है ये 5 BHK। इसका एरिया है 4688.87 और ये 24th से 33rd floor, 34th और 35th floor पर अवेलेबल है। इसका लिविंग एरिया है 30.3 by 23.3, डाइनिंग एरिया 14 by 23.3, मास्टर बेडरूम 23 by 23.3, बेडरूम 1 11.6 by 19, बेडरूम 2 11 by 11.6, बेडरूम 3 11 by 11.6, गेस्ट बेडरूम 11 by 17.9, किचन 13.7 by 11.10, टॉयलेट 1 5.6 by 8.3, टॉयलेट 2 5.6 by 8.3, टॉयलेट 3 5.7 by 11.6, टॉयलेट 4 5 by 8.3 और ड्रेसिंग रूम 8 by 11.6। दोस्तों देखिए ये अब आपके घर की एंट्री आ गई। एंट्री करने के बाद आप ये आगे मेरे ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर, ह्यूज है ना, एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम, किचन, तीसरा बेडरूम, चौथा बेडरूम, पांचवा बेडरूम, गेस्ट रूम, फ्रेंड्स, मैं और क्या बोलूँ आपको, पैसे से आप इससे बेहतर चीज नहीं खरीद सकते हो। This is the best you can buy with money, especially in Delhi. अब हम बात कर रहे हैं 8 BHK penthouse के बारे में, जो 37 और 38 फ्लोर पर है, यानी क्योंकि ये डबल हाइट है। इसका एरिया है 9773.92 स्क्वायर फीट। ये इसके दो लेवल हैं, अपर फ्लोर और ये लोअर फ्लोर, यानी एंट्री आप यहाँ से करेंगे, स्टेयर से ऊपर जाएंगे, अब आप यहां पे ऊपर के फ्लोर पे आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। लिविंग एरिया 37.9 by 23.3। दोस्तों लोगों का इतना बड़ा घर होता है जितना ये लिविंग एरिया है। डाइनिंग एरिया 14 by 23.3, मास्टर बेडरूम 24 by 23.3, बेडरूम 1 11 by 11.6, बेडरूम 2 11 by 11.6, मास्टर बेडरूम 2 24 by 23.3, बेडरूम 4 11 by 11.6, बेडरूम 5 11 by 11.6, गेस्ट बेडरूम 11 by 17.9, गेस्ट बेडरूम अनदर 11 by 22.6, फैमिली लॉन्च 13.6 by 11.9, किचन 13.6 by 11.10, वॉशरूम 1 5.7 by 11.6, वॉशरूम 2 5.6 by 8.3, वॉशरूम 3 5.6 by 8.3, वॉशरूम 4 5.6 by 8.3, वॉशरूम 5 5.7 by 11.6, वॉशरूम 6 5.6 by 8.3, वॉशरूम 7 5.6 by 8.3, वॉशरूम 8 5 by 8.3, ड्रेसिंग रूम 8 by 11.6, ड्रेसिंग रूम 2 8 by 11.6 एंड अ लिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये आपका घर है सर, ये आपका घर है, वेरी योर ओन पर्सनल हाउस। इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ गया, स्टेयर्स आ गए, घर के अंदर लिफ्ट है और आपका एक बेडरूम, या मतलब देखेंगे तो यू विल बी मेस्मराइज्ड
आप कहोगे भाई साहब घर है तो ये नहीं तो घर ही नहीं है। अब हम बात करें 5 BHK पेंट हाउस के बारे में, तो 34, 35, 37, 38 फ्लोर पे अवेलेबल है और इसका एरिया है 7277/0.30। आप इसको देखें, ये जो साइड वाले एरिया है ये डबल हाइट फिर डबल हाइट, यानी ये जो दो फ्लोर यहाँ पे आ गए, दो फ्लोर यहाँ पे आ गए, तो ये इसका ये पेंट हाउस है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू लव इट। ऐसा घर तो भाई साहब सिर्फ सपनों में ही मिलता है, हकीकत में तो सिर्फ रहीजाई में होता है। आप यहां से आए, ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपका आ गया, ओपन किचन, ये आपके बेडरूम्स आ गए, ये आपका डेक एरिया आ गया, एक बेडरूम आ गया, स्टेयर से आप ऊपर चले गए या स्टेयर से आप ऊपर आए, एक बेडरूम, एक दूसरा बेडरूम, फैमिली लॉन्ज एरिया, ठीक है, और ये आपका आगे पर्सनल स्विमिंग पूल। दोस्तों ये बिल्डर आपको यहाँ पे दे रहा है हार्ड फिटिंग्स। अगर आपको हार्ड फिटिंग्स क्या क्या है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे तो आप मुझे अपना ईमेल भेजेंगे। मैंने आपको जो मोबाइल नंबर दिया ना अपना 9911191191, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझे अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको ये ब्रोशर भेज दूंगा, आपको मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें, आराम से आप इसको देख सकें। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। इनिशियली आपको देना है 10%, विद इन 60 डेज 15%, जस्ट बेसमेंट स्लैब 10%, सेकेंड बेसमेंट स्लैब 10% और 100% पार्किंग, क्या 10th फ्लोर 10% ऑफ। और दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये लोग इस लेवल तक काम हो चुका है आपका, यानी इतना काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, बाकी अभी धीरे धीरे काम चल रहा है और अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी है। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक कस्टमाइज प्लान भी डिज़ाइन करवा सकता हूँ कंपनी से, मैं कंपनी में बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए एक कस्टमाइज प्लान भी डिज़ाइन करा दूंगा ताकि आपको इमीडिएटली 45% पेमेंट ना देनी पड़े। और आगे देखते हैं, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरा नाम याद रखें मनीष मनचंदा 9911191191। और फ्रेंड्स आप आए, मैं आपको इसके एक्सपीरियंस सेंटर लेके चलता हूँ, लेट्स गो एंड सी व्हाट लग्जरी मीन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय बाय, जय हिंद।